फैंटास्टिक जर्नी में जिन्होंने टिक किया है हर मुश्किल की, हर चैलेंज की चेकलिस्ट, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर फैंटास्टिक 5 फाइनलिस्ट। कल है वो रात जब इस कंपटीशन का आएगा फाइनल रिजल्ट और मिल जाएगा हिंदुस्तान को विनिंग ट्रॉफी का हकदार, जो कहलाएगा डीआईडी लिटिल मास्टर डांस का बाप। आज हम अपने फैंटास्टिक 5 का ना सिर्फ परफॉर्मेंस देखेंगे बल्कि आज इस सफर को नया बनाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को हम देने वाले हैं डीआईडी अवार्ड। दिस इज गोना बी फन। तो चले बिना देर किए बुलाते हैं हमारे पहले फाइनलिस्ट को। प्रेजेंटिंग टीम वैभव से फ्रॉम कुल्पी वेस्ट बंगाल, लिटिल मास्टर की मास्टरनी फाइनलिस्ट रिशिता तांती। रिशिता यार, बॉलीवुड क्वीन आपको जो हीरोइन बोलते हैं, वो आपने जिस तरीके से नाचे आज, मजा आ गया। आपका ट्रेडमार्क जो फ्लिप मारती हैं आप आगे वाला, वो बिगनिंग में आपने चारपाई से नीचे मारा, चारपाई ट्रॉली पे वो हिल रहा था, थोड़ा डर गया था मैं उसमें, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो दो खटिए को आपने यूज किया है, उसका सरफेस जो है ना वो ऊपर नीचे, वो कैसे कंट्रोल किया आपने पता नहीं आप, एंड व्हाट अ क्रेसेंडो। फैंटास्टिक रिशिता, यू आर अ स्टार, थैंक यू सो मच। सच्ची में रिशिता, आपकी जो जर्नी यहाँ पे रही है, आप हमेशा ही टैलेंटेड थे, लेकिन जो यहाँ पे आके वैभव ने आपको तराशा है, आप सुपर टैलेंटेड हो गए हो, रियली अमेजिंग।
मैं जब भी रिशिता को देखती थी या उससे बातें करती थी, वो अपनी टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात करती थी. एकदम बिगिनिंग में जब आई थी ऑडिशन राउंड में, हिंदी सीखे चो है क्या मोना चो बोलो कैसे हो? ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ. मुझे वो मेरी याद दिलाती थी. नॉटी तो है और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले मुंबई आके यहाँ के लोगों के जैसे बनने की या हिंदी सीखने की, है मन से एक सिंपलटन. एंड आई थिंक वहां कहीं ना कहीं मैं उसके साथ बहुत एसोसिएट करती हूँ. आई कांट वेट टू सी कि आप आगे जाके बड़े होके और क्या क्या करते हो. आई विल बी देयर रूटिंग फॉर यू ऑलवेज. ओके, गॉड ब्लेस यू. घर जाने के बाद सबसे ज्यादा इस शो में किसको मिस करोगी? मैं तो सब लोग को बहुत मिस. एक नाम? आदेश जी. ओहो, सागर को भी नहीं करोगी? ओके. अपुन, आदेश जी से इतनी झगड़ती रहती हो? हम लोग झगड़ते हैं, उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग दोस्ती भी हो जाते हैं. तो बताओ फिर, कल तुम ये शो जीती हो कि नहीं जीतोगी? हाँ. क्या? जीतूंगी. मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जीतने वाली हो और आदिश्री हारेगी? नहीं, वो सेकंड आएगी, मैं फर्स्ट आऊंगी. सेकंड आएगी, फर्स्ट आएगी. ट्रॉफी का क्या करोगी? ट्रॉफी तो एक ही होगी, कैसे बांटोगे? उसको भी आधा आधा करोगे क्या? अगर वो जीत गई ना तो हम लोग आधा काट के ले लेंगे. आदिश्री, आधा कैसे काटेंगे? मैं जरूर से दूंगी. अरे वो कह रही है उसका फोटो निकाल के जेरोक्स भेजेगी तुम्हारे घर पे. रोज जलना उस फोटो को देख के कि ये ना रिशिता जीत गई, ये बोल रही मैं है. इसके लिए फोटो भेजूंगी क्योंकि वो हमेशा खुश रहे. हम सच्ची दोस्त भी है और दुश्मन भी है. रिशिता, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इंडिया, कुछ खास डीआईडी मेंबर्स को हम देने जा रहे हैं डीआईडी अवार्ड्स. फैंटास्टिक. आज का पहला अवार्ड है बीवी ले लेती है जिसका सारा धन, फिर भी जो चुपचाप दबा के रखता है अपना मन, उनके लिए वी प्राउडली प्रेजेंट द अवार्ड पति नंबर वन. कैन वी हैव द नॉमिनीज प्लीज? पति नंबर वन अवार्ड के लिए द नॉमिनीज आर. और वो बाल ऐसे ये आयन करके कौन इस्त्री मार के कौन आता था वो बता दो. लिजल. अच्छा, नया शो, नया शो, कुछ पता नहीं है क्या होता है. लिजल हैंडिंग पकड़ के खींच की ऐसे चलते थे बेसाल में और खींच के ऐसे पोके बांध करके बिठा देते थे. अपने को कुछ पता नहीं, हम बैठ जाते थे. जय भानुशाली. मैं सच्ची बता रहा हूँ, घर पे भी जाता हूँ, बीवी को देखता हूँ, लेकिन उसमें भी तुझे ही देखता हूँ. मेरी वाली तो साक्षात डायन लेकर आया हूँ मैं. चाहे मैं कितना भी फ्लर्ट करूँ, चाहे मैं कितना भी इनो मौनी को परेशान करूँ, वो चलते रहना चाहिए. ओह गॉड. माही को कोई बीच में नहीं लाएगा, मैं बता रहा हूँ. मानसी के पापा. मेरी बीबी मौनी मैम से बहुत डरती है. हाँ. तो क्या हो गया? मेरे तो मौनी मैम बहुत बहुत पसंद है. ये कुछ अलग चल रहा है इधर. आदिश्री के पापा. आपको सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है, मासी या फिर आदिश्री की मम्मी? आदिश्री की मम्मी को सुंदर लगता है.
वाव, इसका मतलब भाभी जी। क्या बात है। तो इस पति नंबर वन अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द आइकॉनिक द लेजेंड आदिश्री उपाध्याय। जोरदार ताला हो जाए। इसके तो दोनों पापा नॉमिनेटेड है। हेलो नमस्ते। इतना टाइम क्यों खा रही हो? बोलो बोलो। जब हम लोग का एलिमिनेशन होता है तभी तो आप टाइम लेते हो, मुझे भी टाइम दीजिए ना थोड़ा सा। तो ये अवार्ड थे मेरे पापा। पापा से? पापा, अरे भाई, मासी वाले पापा या लिजल वाले पापा? कौन से वाले पापा? मेरे रेमो पापा। रेमो पापा, पति नंबर वन। कंग्रेचुलेशन सर। तो मुबारक हो रेमो सर। एक दुखी पति के तरफ से दूसरे दुखी पति को ये किताब मिल रही है और ये किताब आपको नेक्स्ट वीक सुपर मॉम्स जो आपका शो आने वाला है उसमें बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि वहां पर पत्नियां भी होंगे, पति भी होंगे। पति से टिप्स लो कि बीवी को खुश कैसे किया जाता है। ये देखो बीवी का रहस्य। इस अवार्ड को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और उस मेरी पूरी मेहनत में जो मेरा सबसे अहम साथी रहा है, बिल्कुल उसको मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूँ। लिजेल, दिस इज फॉर यू। थैंक यू आदिश्री। ऑलराइट, सो इंडिया प्री फिनाले में अब आ रही है वो जिसने इस मंच की मिट्टी में अपनी डांस की फसल को बोया है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो केजी केजी सपने मेरे सारे जन्म के मैं बोल आऊंगी। मेरे को ऐसी बेटी चाहिए, यही चाहिए मेरी बेटी। रेमो सर की बेटी है तभी तो लिख रही है डांस के नए नए अध्याय। फाइनलिस्ट आदिश्री उपाध्याय। ऑलवेज ख्वाहिश रही है एंड इस शो के दौरान मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी एंड रिश्ता बन गया है। नानी, ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। आप मेरी बेटी पूरी जिंदगी के लिए हो। आपकी परवरिश में पूरी तरह से जैसे मैं अपने बच्चों के साथ रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा फॉर श्योर। आई लव यू। आई लव यू टू। Oh,
परफॉर्म किया। थैंक यू। ये गॉड गिफ्ट ही हो सकता है कि इतनी सी उम्र में इतनी सारी समझ, मतलब आज जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया वो धुएं को छू के जो आपका कौन सिखाता है यार वैभव, कौन सिखाता है इसको? के बाद नीचे उतरने के बाद यहाँ पे जो आपने पूरा परफॉर्मेंस दिया वो कमाल था। और एक तो आपका सिग्नेचर मूव, और वो एक एक बहुत कमाल था, वो स्लो चल के ये वाला स्लो चल के, हाँ ये कमाल है यार। आदिश्री यू आर फैंटास्टिक, यू आर अ स्टार। इस शो के बाद पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये उम्र आपकी पढ़ने की पहले है, लेकिन डांसिंग का आई विल मेक श्योर कि आप अपनी डांसिंग की जर्नी जहां तक आपको लेके जानी है वहां तक मैं आपके साथ रहूंगा। लव यू एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, लव यू। थैंक यू पापा, आई लव यू टू। आपका डांस फैंटास्टिक है ही, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। अलग अलग किरदार आपने किए हैं हमारे सामने, किसी ने इतने नहीं किए हैं, और हर एक कैरेक्टर को, हर एक किरदार को आपने इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे दिए हैं, और हर परफॉर्मेंस आपका एंटरटेनिंग रहा है हमारे लिए। ऑल द बेस्ट आदिश्री, यू वर फैंटास्टिक। ज़िप ज़ैप ज़ू। क्या बात है आदिश्री, अब बताओ कल फिनाले है, क्या लगता है कौन जीतेगा? विनर होंगे? हाँ विनर होंगे वर्तिका मैम। ये कौन सिखाता है इसको? कितनी डीप बात बोलिए, देखो चारों बच्चों को निगलने के बाद भी फिनाले तक पहुंची है लड़की। कल का विनर है, उसका नाम है आदिश्री। अच्छा तो आदिश्री तुम जीत रही हो, तो फैन में सेकंड पे कौन आने वाला है? उसका नाम है नोबजीत भैया। रिशिता को देखो, रिशिता। थर्ड बताइए। थर्ड है अपुन दीदी। आए हाय क्या बात है। फोर्थ बताओ। फोर्थ 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 है सागर भैया। और ऋषिता? तो ओ मतलब ऋषिता पांचवे नंबर पे। मैंने तुझे ऐसे नहीं बोला था, मैंने तुझे सेकंड लिया था, इसके लिए क्या तू रोना? आप 5 साल की रहे तो आप 5 में आऊंगी। ए मैं 5 साल की नहीं हूँ, 6 साल की हूँ, याद रख तू 5 साल की है। लेकिन कैसा लग रहा है ये जो एक दोस्त ने आपको जो धोखा दिया है? जय सर। वो इमोशनल हो गई थी, मैं इमोशनल नहीं हूँ। प्री फिनाले है, कल फिनाले है। हाँ जी। तो एक पापा और बेटी का डांस तो बनता है। क्या बात कही है, एक बार जोरदार ताला हो जाए रेमो डिसूजा के लिए। कम ऑन गाइस, जोरदार ताला हो जाए। मेरे
नाइस यार, ये बस जोरदार तालियां हो जाए रेमो सर एंड आदिश्री के लिए यार। बारी है डीआईडी लिटिल मास्टर्स के बिग अवार्ड्स के नेक्स्ट कैटेगरी की। बैंक बैलेंस है जिनका ढासू, फिर भी सीरियल की बहू की तरह बात बात पे निकले जिनके आंसू, उनके लिए वी प्राउडली प्रेजेंट यू द कैटेगरी रुदाली अवार्ड। रुदाली अवार्ड के लिए द नॉमिनीज आर सोनाली बेंद्रे, पॉल मार्शल, वैभव घुगे, मौनी रॉय, सुपर है, सुपर कैटेगरी। मतलब ये पहला अवार्ड होगा जहां पर रोने के लिए अवार्ड दे रहे लेकिन सब हंस रहे हैं। क्या बात है। तो ऑडियंस, ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा दी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल वर्तिका झा। ये गांव का पायजामा पहनकर क्यों आई हो तुम? मन था मेरा। तो देखो सच धज कर आई हो तो बताओ कौन है विनर? रिदाली बोल ले। कैसे है ये? टुडेज रुदाली अवार्ड गोज टू सोनाली मैम। ये है आधा बाल्टी आंसू जो आपने शो में निकाले थे, हमने यू नो बचा बचा के यू नो ये फिनाले के लिए रखा था, ये अवार्ड नाइट के लिए रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अवार्ड मिलके बहुत खुशी हुई। अवार्ड मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे मिलते नहीं है, तो ये अवार्ड मिला तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ पहल और वैभव और मोनी को भी मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इतने आजमाए हैं। तो फिर से एक बार मैं कहूंगी कि जी टीवी, डीआईडी वॉच, सब प्रोडक्शन टीम, सभी बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। मुझे इतनी खुशी हुई। क्या बात है यार। नहीं, मुझे सीरियसली लगा था ये अवार्ड रॉनी रॉय, आई मीन मौनी रॉय को मिलेगा ये, क्योंकि यार सबसे ज्यादा यू नो मैंने देखा है कि वो कुछ फेंक के मारने वाली है तुमको जय। लेकिन मैं आपको सच सच बताने वाला हूँ, कंपटीशन मौनी और सोनाली मैम के बीच में था और सिर्फ एक ही बूंद से सोनाली मैम जीती है। जोरदार ताला हो जाए। ये अवार्ड मैं बहुत संभाल के रखूंगी और फिनाले तक शायद बकेट फुल हो जाए। जिस तरह से आप आ रहे थे ऐसा लग रहा था बहुत एकदम रेगुलर है बाल्टियों के साथ। बहुत कुछ में रेगुलर है भाई। बढ़ते हैं आगे और अब आ रही है वो परफॉर्मर जिसके क्रम की ऐसी हवा चली कि फाइनलिस्ट बन गई डांस की ये बवंदर। अकेले तातो के साथ आई थी वो, लेकिन आज पूरा इंडिया उसके स्वैग का फैन है। फाइनलिस्ट अब उनके लिए जोरदार ताला हो जाए।
ओरिजिनल। नजरों में प्यास दिल में तलाश हो तो हमें बहुत मनोर में चुनी में दाग सी नहीं में आग सांस हमें कहा दो वर में अपुन, आप बाबूजी को बोले धीरे चलो। आप धीरे चलो भाई, या हम सब मर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। ये जो छोटा सा एक प्रॉप रखा है, लेकिन इतना आपके परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा था, क्योंकि हर बीट पे कलर्स चेंज हो रहे थे, उसके लाइट के पैटर्न चेंज हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आपका फास्ट वो जो वैकिंग वाला पोर्शन था, वो कमाल था। एनर्जी तो थी, लेकिन साथ साथ में वो एक नमक था। अपुन, यू आर फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, कमाल, धमाल, बेमिसाल। मतलब डे वन से अपुन इस स्टेज का दिल है। डॉक्टर ने बोला कि उसका हार्ट का बीमार है, उसका हार्ट में एक सेट है। वो दिन, आज का दिन, फिनाले पे हैं हम। एक सेकंड के लिए आपकी फेस से स्माइल गायब नहीं होता है। सेकंड के लिए आप ऐसा किसी को महसूस नहीं करने देते हो कि आपको कभी भी किसी भी तरह का, किसी भी तरह की दिक्कत थी। एंड इस जर्नी में आप ने तो यहाँ पे डांस सीखा है, लेकिन आपने हमको बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी बात जो आपने सिखाई है, वो है फाइटिंग स्पिरिट। ये आपकी, मुझे लगता है, सबसे बड़ी अर्निंग है स्टेज पर, कि आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते हो इतनी छोटी सी एज में। आई लव यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। माय गॉड, लुक एट तातो, बोल हेयरकट वेयरकट, माय गॉड। ये देखो यार, पिक्चर में रोल क्या मिल गया, लुक एकदम, लुक चेंज करके आ गए। मैंने अपुन का फाइनल पहुंचने के बाद मैं काटूंगा बोल के रखा था, इसलिए मैंने काट दिया। मन्नत थी आपकी? हाँ सर। सो स्वीट, सुपर। ये मन्नत रंग लाई है, डेफिनेटली रंग लाई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कल फिनाले क्या मिस करने वाली हो सबसे ज्यादा यहाँ पर? मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा वैभव सर को मिस करूंगी, क्योंकि वैभव सर ने हम लोग को बहुत प्यार दिया है, बहुत मस्ती करवाया है, डांस करवाया है, खेलवाया है, तो मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी वैभव सर को। So nice. मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, एंड एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपन के लिए, गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। नहीं नहीं, मोनी जी, आप खा लीजिए पहले। मोनी वाज सेइंग समथिंग। नहीं नहीं, खा लीजिए आप आराम से, शॉट के बीच में भी खा रही हैं। वाह, देखो कैसे छुपा के रखा है, अभी देखो क्या छुपा के रखा है। हाँ, है ना? नहीं ना, यू गाइस आर दाबेली खा रही है। वाह, नहीं आप खाइए खाइए, सर के पास भी है ये, उसी का है। नहीं झूठ झूठ, दे सर का है। आप खाइए, तब तक मैं हमारा अगला अवार्ड अनाउंस कर लेता हूँ। यस, डीआईडी लिटिल मास्टर के बिग अवार्ड में बारी है अगले कैटेगरी की,
और उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भूख इंसान से वो सब करवा लेती है जो भरा पेट नहीं करवा सकता। इसीलिए खाना देखते ही झपट्टा मारने से जो कभी नहीं चूके, इस मंच पे देखे हमने ऐसे कुछ भूखे। आप भी हो उसमें से। तो आप भी हो। Proudly present to you the category Bhookkad Award. I love this award. I love it. Bhookkad Award के लिए the nominees are Moni Roy. Oh my God! Yeah, I am momos. मौनी भूखी नजरों से ना वो डब्बे को ऐसे देख रही थी, पूरा यकीन था कि वो दो उठाने वाली है। यहाँ कितने मोमोज थे एक बॉक्स में? 12 राइट, मैं 8 खा गई हूँ। रेमो डिसूजा, अभी कोई बच्चे को कुछ खिलाते ना तो वो पहले चेक करना पड़ता है, तो मैं शबरी हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा है कि नहीं। अकेले खा रहे रेमो। नहीं एक 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 दे दो एक मेरे को एक एक ये मेरे सामने देवता है, साक्षात देवता है। वाओ, थैंक यू, ईद मुबारक। क्या बात है। और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ऋषिता तांती। बुकर अवार्ड है, मोनी मैम। ये वही है जिसके सारे मोमोज आपने खा लिए थे। लेकिन ये रखिए आपके पास, नागिन तो ऐसे डब्बों से निकलती है ना। मैं ये अवार्ड शेयर और डेडिकेट करना चाहूंगी रेमो सर और जय को, क्योंकि आप लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ सबका खाना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है। Thank you, Rishita, for giving me the award. Mwah. All right, एक और अवार्ड के बाद बारी है एक और परफॉर्मेंस की। तो इंडिया, हमारा अगला फाइनलिस्ट बिल्कुल पानी की तरह है। जैसे पानी का कोई अपना आकार नहीं होता, जहां पर भी रख दो वो वही आकार ले लेता है, वैसे ही ये लिटिल मास्टर भी सीकर बन गया। ना सिर्फ अपने स्किपर की ट्रेनिंग का गागर, बल्कि सोनाली जी की ब्लेसिंग ने बनाया उसे संस्कार की बूंदों का सागर। फाइनलिस्ट सागर वर्पे के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा, जोरदार तालियां। विश्वास नहीं हो रहा है कि कल का दिन फिनाले है, आखिरी दिन है। ऑफकोर्स हमारे लिए आखिरी दिन ये कभी भी नहीं होगा सागर, आप अपने आई का ख्याल रखोगे इसका मुझे कोई डाउट नहीं है। और जो आई आपकी आई की जो टेंशन है ना कि ये इस पे कैसे संस्कार होंगे, आप बहुत अच्छे बेटे हो। हमेशा सोचना कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी आई को कैसे लगेगा, कभी भी डाउट में होते हो तो। और अगर कभी भी लगा कि नहीं ये आई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं करना, अपने आप आपके ज़िंदगी के रास्ते करेक्ट चुने जाएंगे और आप करेक्ट रास्ते पर चलोगे। मेरे लिए आप विनर हो और रहोगे। I love you, Sagar. Thank you, ma'am. Thank you. Sagar. Kya hua, Sagar? Come here. Kaha radde? Kaha radne karke? Ekdum chhan performance kara hai, sir. Tum fine hai, sir. Pura theek honar beta. Love you.
पढ़ाई चलाए। Let's do it. Thank you. God bless you. Come on, Sagar. सागर का जो जर्नी था ये तो कमाल का था। बहुत ही सीरियस डांसर बन के आया था और अब धीरे धीरे पॉल की निगरानी में वो पॉलिश होता गया और अब वो प्रॉपर जो होते हैं ना प्रोफेशनल डांसर जैसे होते हैं ना उस लेवल तक पहुंच गया वो। एंड इजीली किसी भी बड़े डांसर को आराम से टक्कर दे सकता है, अपने डबल एज वाले डांसर उसको भी टक्कर दे सकता, तो वहाँ तक पहुँच गया। आज जो परफॉर्मेंस दिया आपने, ओपनिंग वहाँ से स्टार्ट की, अमेजिंग। ऊपर चढ़ने के बाद आपने एक बैकफ्लिप मारा, वो मैंने सोचा कि इधर मारेगा, आपने नीचे बैकफ्लिप मारा और स्लाइड करके वहाँ गया, उसके बाद टिंग 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 वो पकड़ा आपने, आउटस्टैंडिंग। जब आप ऊपर चढ़े ना वो एक अलग ही तरीके का आपने काटविल मारा है, पता नहीं क्या मारा आप। फिर आप सेंटर पे गए दिया जहां पे बैग काज करके आपने हेड से एक स्टेप पकड़ा। मैंने किसी को देखा नहीं है कि बैकफ्लिप मार के ऊपर चढ़ रहा है, वो मैंने आपको देखा आप करते हुए, यार कमाल हो आप। जाने ना दूंगा जाना। गुड लक मैन एंड पॉल, अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रेमो सर, कब बुला रहे हो आप सागर को? आई थिंक जल्दी से। आई थिंक ये मेरा जो सवाल था और ये जो जवाब था ये आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बता देगा। सुपर, कोई नहीं रोक सकता तुमको। थैंक यू मैम, थैंक यू। ज़िप ज़ैप। क्या बात है।
अब जो लिटिल मास्टर मंच पर आ रहा है, देखा जाए तो सही मायनों में वो ऐसा डांस का बाप है जिसको देखते ही रेमो सर तक ने कहा कि डांस के लिए हाथ पैर नहीं, सिर्फ जिगर चाहिए। आज पता चला मैं कितना छोटा डांसर हूं। सुना था कि डांस के लिए सभी बोलते हैं यू डांस हैव दिस, यू डांस हैव दिस, हैव दिस। एब्सोल्युटली वेल सेड। वो फैंटास्टिक 15 में ना होकर भी हमारे डीआईडी लिटिल मास्टर के परिवार का हिस्सा रहा है और हम सबको इंस्पायर करता रहा है। सुपर परफॉर्मेंस, सुपर। अच्छे अच्छे बच्चे, हिम्मत नहीं है उनमें कुछ करने की, और इसके बावजूद ये बच्चा इतनी हिम्मत रखता है। एक रात में मेरी लाइफ चेंज हो गई। डीएडी लिटिल मास्टर में ये परफॉर्म करके जब घर पे गया तो रिश्तेदार सब घर पे आ रहे थे, बोले थे बेटा हमको यकीन नहीं था कि तू ऐसा कुछ कर पाएगा, लेकिन तुमने ऐसा किया तो हमें बहुत खुशी मिली। सर आप तो चिंता अभी भूल ही जाइए, क्योंकि हमारा अहमद जो है ना, उसके पैर जहाँ जहाँ पड़ेंगे ना वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। इनाली फाउंडेशन के बिहाफ पे मैं और मेरी टीम, अगर अहमद के पेरेंट्स और उसकी फैमिली अलाउ करे तो हम अहमद का आगे का एजुकेशन, उसकी जॉब और उसके प्रोस्थेटिक हैंड्स को लाइफ टाइम सपोर्ट करना चाहेंगे। वाओ! तो हमारी पूरी टीम ने अहमद के हैंड्स को रिडिजाइन किया और काफी प्रोटोटाइप्स बनाए गए जो कि प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट के ऑब्जर्वेशन में डिजाइन है। बोलता था कि पापा मेरे हाथ क्यों नहीं है, मेरे हाथ कब आएंगे। खुश हो जाऊंगा। अच्छा लग रहा है दुक्का, है ना? बहुत बढ़िया। अहमद जब हमारे ऑफिस आया तो एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा था इसके आजू बाजू, और ऐसा लगा ही नहीं शायद हम इसको जानते ही नहीं। सबके साथ मैं ऐसे घुल मिल गया, और एक होता है कि हर एक इंसान में एक अलग बात होती है, इसमें शायद ये था कि इसको हमको दूसरी बार बताने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। ये उसका सेंसर है, दिस इज समथिंग जिससे वो उसके हाथ को ऑपरेट करता है, ये चीज़ से। हाँ जी, बेसिकली अभी चार्ज नहीं है, बट जब हम उसको पहली बार दिखाया और दिखाने के बाद दो बार एक्शन किया, उसने तीसरी बार चला के देख लिया, हमको लगा कि शायद मे बी होता है कि गेस कर लिया होगा, जस्ट उसको कहा कि अभी आंखें बंद करके चला, एंड ही एक्चुअली उसने अपनी आंखें बंद की और बिना आंखें खोले उसने पूरा सेंसर ऑपरेट किया। वो मोबाइल से काफ़ी गेम खेलता है बट अपने अंगूठों से जो पैर के हैं, तो हमने सेम अंगूठों का यूज़ करके उसके पैर में सेंसर लगाया, जो सेंसर से वो हाथ ऑपरेट कर सकता है। अभी जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो सेंसर्स उसके चेस्ट पे आ जाएंगे, तो जब भी वो सोचेगा कि उसको चेस्ट की मसल्स मूव करनी है
तो वो मसल के मूवमेंट से हाथ ऑपरेट होगा। वाव वाव वाव। और उसका जो मूवमेंट है अभी वो इस तरह से हाथ चला पाता है और यूं हाथ ऊपर नीचे कर पाता है। विद टाइम उसके ये मूवमेंट्स भी हो जाएंगे, ये मूवमेंट भी होगा। सो इट विल टेक टाइम, बट धीरे 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 वो अपने जो दिन भर के काम है सारे वो वापस करना शुरू कर पाएगा। अहमद कैसे हो, खुश हो? अहमद अब आप क्या क्या कर सकते हो इन हाथों के साथ? मैं मेरी बहन से हाथ में मिला सकता हूँ और मैं हाथ को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। अच्छा। And I think because the charge is not there, otherwise हमारा अहमद माइक भी पकड़ सकता है। Yes. Actually. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे का हाथ लग गया इसलिए। मैं आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप मेरे बच्चे की जिंदगी में परिश्रम बन के आए। आज जितने भी हम यहाँ पे हैं, जो भी इस शो से जुड़ा हुआ है ना, आज हम सब सफल हो गए। बिल्कुल। और आज डांस सफल हो गया, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यार इनाली फाउंडेशन। एंड जी श्री पालने में चांद उतरा खूबसूरत ख्वाब जैसा, गोद में उसको उठाता तो मुझे लगता था वैसा। थैंक यू, बाय अहमद, फिनाले कल मिलते हैं। ओके चल बाय। तो इंडिया फिनाले से पहले एक बार फिर अपने डांस की आग लेकर इस मंच पर प्री फिनाले में आ रहा है फ्रॉम कार्बी एग्लोग आसाम टीम वाइबर से डांस का नाम फाइनलिस्ट नमजीत। खुशबू के मौसम आएंगे रिंद पोश माल गिंदने द्राए लो लो लो।
क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं नवजीत के लिए, फाइनलिस्ट नवजीत के लिए। फाइनलिस्ट नवजीत, यार क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस था। थैंक गॉड कि आज आपने तामझाम नहीं रखा, आज आप सिर्फ नाचे हैं आज, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपके बॉडी में एक फ्लो था, डांसिंग डांसिंग डांसिंग, एंड उसमें मुझे एक ग्रेस वो दिखा मुझे आज। इसलिए इसको अंडरडॉग बोलता ना मैं। क्या बात कही है, अंडरडॉग का एग्जैक्टली स्टोरी वही होता है कि कोई किसी को नहीं पता होता है कि ये क्या करने वाला है, लेकिन वो जब आ जाता है ना तब मालूम पड़ता है कि अरे यार ये तो कमाल है, और वही कमाल आप हो। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू। थैंक यू सर। आज आप ग्रूव कर रहे थे, आज ऐसे लग रहा था कि फिनाले है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर ऑल वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, लव यू। थैंक यू मैम, दिल से कह रही हूँ आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपके टीचर को भी आई विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि उसने जो किया है ना वो बहुत कम लोग करते हैं। जिस तरह से उसने आपको पाला है, लिटरली इट इज सो अमेजिंग। ये जो जर्नी नवजीत की है ये आपकी भी है, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो सिर्फ नोबो को लेके आई थी, जब ये ऑडिशन दिया उसका बाद सर ने बोला कि ये मंच उसको आसमान देगा। दीपिका आपने इसे डांस करने के लिए जमीन दी है, यस सर, अब ये मंच इसे आसमान देगा। और सच में वही हुआ, आज वो फाइनलिस्ट बन के खड़ा है यहाँ पर, तो सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और दोनों मैमों को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वैभव सर, आप हमेशा मुझसे ज़्यादा फिक्र उसका करते थे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ आज। थैंक यू सो मच। अरे लाफिंग बुद्धा, ये इसलिए है क्योंकि सर हमेशा सबको खुश रखता है, हमेशा सभी को खुशी देता है, और हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि सर हमेशा खुश रहे, सर को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और हमारे जो हिस्से का, मेरे हिस्से का जितना भी खुशी है सारे के सारे सर को लग जाए। थैंक यू सो मच दीपिका। नवजीत, विश यू ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ कि जनता आपको ढेर सारा प्यार दे और बनाए डीआईडी लिटिल मास्टर का विनर। थैंक यू सो मच, जोरदार ताला हो जाए नवजीत के लिए। और अब बारी है डीआईडी लिटिल मास्टर के बिग अवार्ड के अगले कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है उन खास लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इस मंच पे भरपूर इज्जत भी कमाई है। इज्जत, इज्जतदार अवार्ड है ये। इज्जतदार अवार्ड के लिए द नॉमिनीज आर जय भानुशाली। ये परफॉर्मेंस थी पृथ्वी लोक के हर परफॉर्मेंस, इसीलिए जय को मिलती है सीथू। जय भानुशाली। जब देने गया था ना तो दो बर्फी गिर गई थी नीचे, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं आया। गिरे हुए लोगों को ही गिरी हुई चीज पसंद आती है। जय भानुशाली। वो आपके पैरों के पास कुछ गिरा हुआ है, उसे जरा साफ कर देंगे? क्या? वो जय का कॉन्फिडेंस। जास्ती बोला इसे लाया था। जय, हाँ, I'm sorry. और एक और छोटी सी बात, हाँ, चल निकल। जय भानुशाली। जय सर। हाँ, अगर हम लोग इतना मेहनत करते आप तो एक ही दिन आके वो शूट करते, उसके बाद एक ही दिन घर जाते, हम लोग इतना मेहनत करते। और कोई है?
जय 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 जय। इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा द मोस्ट रिस्पेक्टेड इज्जतदार जज हमारे रेमो डिसूजा। Oh my God! Any guesses? Any guesses? Jay, is it Jay? Very close. The Izzatdar Award goes to the one and only Jay Bhanushali. Wow! Very good, very good. Thank you. Thank you. ये चुल्लू पर पानी है। Oh my God! Oh my God! आपका अवार्ड। अब भी अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो हम सब की शक्ल देखें और इस चुल्लू पर पानी में बस थैंक यू। डांस में जोड़ियों को कमाल करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक फॉरेंसिक ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर की जोड़ी क्या कमाल दिखा सकती है और मसूरी को द बर्थडे किलर से बचा सकती है? जानने के लिए देखिए फॉरेंसिक, जो रिलीज हो चुकी है Zee5 पर। तो अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।